हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी आज अच्छी एनर्जी नहीं थी। हार्ट चक्र की लेड वन फेमिनाइन के सुबह से नहीं कह सकते, लेकिन दोपहर से एनर्जी बहुत ही डल थी। बहुत ही ऐसे जैसे लेमन जूस के एनर्जी ख़त्म कर दी हो, उसका जूस सारा निकाल लिया, ऐसा हार्ट चक्र आपका जो है बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और ऊपर से आज मेरे साथ अगर मैं कहूँ तो मेरे पास एक सेशन आया जिसमें कि लड़की को बहुत शॉक लगा था कि किसी उसका प्रेमी जो है किसी और के प्यार में पड़ा और फिर इसके पास वापस आया। अभी जो भी है उसको बहुत शॉक लग रहा है, ना वो उसको भूल पा रही है और उसको शॉक है। और वो देखो कैसे होता है ना कि हम किसी से ओवर लव करते हैं ना, ओवर गिविंग, ओवर फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं, इतना दे देते हैं, उसके बाद भी हमको उसकी चिंता होने लगती है। जैसे मैं भी थी ना, मैं सोचती थी मेरे कार्मिक पे को भी कुछ कुछ भी क्या है? मराठी में जैसे कहते हैं ना, इड़ा पिड़ा, कोई भी बला आए तो मेरे पे आए, उसे कोई बीमारी होनी हो तो मुझे हो जाए, ऐसे में उस टाइम पे बोलती थी उस वो मरने वाला हो तो मैं मर जाऊं बट वो सुरक्षित रहे, ऐसा मैं उस टाइम पे सोचती थी। तो हम इतने ओवर गिविंग हो जाते हैं कि खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, जबकि दोस्तों आपके खुद के पार्टनर आप खुद ही हो। क्या होता है कि हमने बाहर बहुत झांका होता है बट अपने अंदर हमने कभी नहीं झांका। आपका पार्टनर आप ही के अंदर ही है, ये मैं ना आम लोगों को बता रही हूँ, मैं बाकी ट्विन फ्लेम्स को भी बता रही हूँ। आपका पार्टनर आपके अंदर है। जब आप अपने आप पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने अंदर अपने पार्ट को ढूंढ लेते हैं, तो बाहर का आपका पार्ट आपके सिवा रह ही नहीं पाएगा, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। क्या हो रहा है ना कि आत्माएं इस 3D वर्ल्ड में जन्म लेकर यहाँ की जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उसमें इतने फंस गए हैं। देखिए फॉरेन में देखिए, उनको कभी झटका नहीं लगेगा कि उनका प्रेमी अगर किसी और के साथ चला जाए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, ओके, मैं भी 10 साल तक मैं भी एक शरीर को ही जो है अपना समझ रही थी, जबकि आत्मा मेरी थी ही नहीं। जैसे कार्मिक की आत्मा किसी और की थी, वो किसी और से प्यार करता था, तो मेरा तो क्या था, मेरा सिर्फ उस शरीर से विवाह हुआ था। बट मैं जो हूँ उसको पकड़ के रखना चाहती थी, मैं उसको किसी और के साथ देख नहीं सकती थी, जबकि सत्य ये है कि सिर्फ एक शरीर को पकड़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ अपनी आत्मा को बता रहे हो कि ये शरीर मेरे पास है, बट जबकि उसकी आत्मा तो कहीं और है, मन तो कहीं और है। मुझे सच बताऊं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दया आती है थर्ड पार्टी पे, क्योंकि उस कंडीशन में मैं भी थी। मैं भी अपने कार्मिक के लिए तड़पती थी, मैं भी जलती थी, मैं भी अपना बेहाल बना रखा था। मैं कुछ दिनों महीनों पहले जब शिरडी में गई और अचानक से मेरा ट्विन मुझे दिखा, तो हमने तो एक दूसरे से बात नहीं की, मुंह फेर लिया, ओके, तो देखना भी नहीं चाहते थे, ना वो मुझे देखना चाहते, तो मुझे भी झटका लगा, ये कहाँ से दिख गया, इसकी शॉप तो कहीं और है, या पानी पूरी की तरह हर जगह पे शॉप खोल रखी है, पानी पूरी के ठेले की तरह। तो गुस्सा आ गया मुझे भी, और बट उस नाइट को मैंने ड्रीम देखा दोस्तों कि जो थर्ड पार्टी है, जैसे उसको पता लग गया है कि मैं शिरडी में आ गई हूँ, और वो जो तड़प तड़प के वहाँ पे आई है, उसके चेहरे पर एक डर है कहीं ये मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन ना ले। तो वो सब मैं जब देखती हूँ मुझे दया आती है। मैं शब्दों में उसे इस वक्त फिलहाल व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और एनर्जी जब तक ऊपर उठेगी नहीं, वो बात कोई बताने से होगा नहीं, जब तक एनर्जी ऊपर उठेगी नहीं, जबकि हम ट्विन फ्लेम हैं, हमारी एनर्जी ऊपर उठने के बाद जो है हम ट्रू लव को समझ पाए हैं, हम अनकंडीशनल लव को समझ पाए हैं, और लव क्या है वो समझ पाए हैं। जबकि 3D में हम जिसको प्यार समझ रहे हैं, हम उसको बांध के रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं, और हर वक्त हम डर रहे हैं कहीं हमारा प्यार खो ना जाए, कहीं हमारा प्यार हमसे जुदा ना हो जाए। तो मैं तो मुझे तो ऐसा था कि अगर वो मुझे एक्चुअली वो मुझे छोड़ भी चुका था मेरा कार्मिक,
मैं कल्पना भी कर लूं कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं तो मुझे लगता है तुरंत यहाँ पे जो है मेरी सांसें रुक जाएगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता था। और वही केसेस जो है आप मेरे पास आने लगे हैं, वैसे ही केसेस, सेम केसेस। तो मैं कहती हूँ कि ये सफरिंग है आपकी, भोग है, मराठी में जिसे कहते हैं कि जब तक भोगना है इसको भोगना है। मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ, बट करंट एनर्जी ही है कि डिवाइन फेमिनिन को ये ज्ञान मिल रहा है कि वो अब समझाए दुनिया को कि जिस 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें आपको सिखाई गई है, जिसको प्यार बताया गया है, जिसको पतिव्रता धर्म बताया गया है, वो सोल वर्ल्ड में उसका कोई मतलब नहीं है। 3D वर्ल्ड की बनाई हुई चीज़ें हैं, उसका सोल वर्ल्ड में कोई मतलब नहीं है। और ट्विन फ्लेम्स को भी मैं ये बताना चाहती हूँ जो तड़पती है, जैसे उनको भी लगता है कि भाई ये अगर हमारा काउंटर पार्ट है तो किसी और लेडी के साथ क्यों है। जैसे कुछ वीडियो में बताया जाता है कि डेमोनिक एनर्जी जो है आपके डीएम को कंट्रोल कर लेती है, जो आपका सौभाग्य है वो दूसरों को मिल जाता है। और जबकि सच बात ये है, आपका सौभाग्य, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो एक शरीर को पकड़े हुए है, थर्ड पार्टी हो या डेमोनिक एनर्जी हो, वो एक शरीर को पकड़े हुए है। और सोल वर्ल्ड में आप एक ही हो। आप सोचोगे कि सोल वर्ल्ड किसने देखा है, किसने देखा है, बट मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग की सफरिंग अगर वो भूल जाए, स्टार्टिंग से अगर वो एनर्जी ऊपर उठा लेते हैं, तो बिलीव मी आपका सोल वर्ल्ड को आप फील कर सकते हो। आप फील कर सकते हो कि आपका ट्विन फ्लेम लिटरली सिर्फ आपका है। 3D वर्ल्ड में वो भले ही एंगेज है अपने बिजनेस में, अपने बच्चों में, अपनी वाइफ में, अपनी सोसाइटी में, बट देखिए वो 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। और सच्चाई ये है कि ईश्वर ने उसको आप ही को दिया है, ईश्वर ने उसको आप ही को दिया है। इनफैक्ट मेरे बारे में पर्सनली अगर मैं फील करूँ तो मुझे 3D के उस बॉडी से कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता। जो मेरा डीएम है उसकी बॉडी से मुझे कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता। सोल वर्ल्ड में जो मैं उसकी एनर्जी पिक करती हूँ, मुझे बहुत ही प्योर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस जो फीमेल बॉडी में है उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, तो मैं ये सत्य जान चुकी हूँ कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो कई सारे कनेक्शन में फिजिकली भी जाते हैं। ओके, तो ये सच्चाई है कि उनको नीचे के चक्रा उनके ज़रा ओवर एक्टिव होते हैं, डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर के होते हैं, तो उन्हें नीचे का मिल रहा है सब कुछ, डिवाइन फेमिनाइन को ऊपर का मिल रहा है। तो बहुत ही धैर्य की जर्नी है ये सत्य, हर डिवाइन फेमिनाइन को स्वीकार करना पड़ता है कि उनके डीएम जो है थर्ड पार्टीज में जाते हैं, कई सारे थर्ड पार्टीज में जाते हैं। और समटाइम्स आई फील कि माफ़ कीजिए कोई मुझे कमेंट कर देगा, बट रियली समटाइम्स ऐसा फील होता है कि क्यों हम एक्सेप्ट करें ऐसे इंसान को जो कई सारे कनेक्शंस में जा चुका है। और तो इसीलिए जो है मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा लेसन है, जिसकी वजह से हम उसकी बॉडी के बारे में सोच ही नहीं पाते। बॉडी के बारे में अगर सोचे तो ये इंसान कई लोगों से रिलेशनशिप बना चुका है, ये इंसान थर्ड पार्टी से मैरिड है, उसके बच्चे हैं, तो समटाइम्स वी कैन नॉट एक्सेप्ट, हमारा मन नहीं करेगा कि हम जो है उसको स्वीकार करें बॉडी से। ओके, बट जहाँ देखा जाए आत्मा जो है इतनी प्योर है, तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि अच्छा है दूर है, आत्मा की प्योरिटी आपको मिल रही है वही काफ़ी है। और बुरा मुझे लगता है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि जितनी जितनी एनर्जी मैं पिक करती हूँ, जो कि मुझे कहने में बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं उनकी तड़प, उनकी वो वेदना, उनकी वो इतना अच्छाई से समझ पा रही हूँ, बट मैं उसको हील नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे ही केसेस मेरे पास आ रहे हैं, उतनी ही लेडीज़ मेरे पास आ, बस यही कहती है, तड़पती रहती है कि वो थर्ड कनेक्शन में है, वो उस कनेक्शन में है। मैं उनको कैसे समझाऊँ कि आत्मा को खुला छोड़ दीजिए, उसको बांध के मत रखिए। क्योंकि क्या होता है, उसको आप बांध के रखते हैं ना, कोई और आपकी लाइफ में आने वाला होता है, कोई डिवाइन एनर्जी आने वाली होती है। ज़रूरी नहीं कि वो बॉयफ्रेंड के रूप में ही आए, वो किसी भी रूप में आ सकती है, गुरु के रूप में आ सकती है, फ्रेंड के रूप में आ सकती है, उसके लिए रास्ता ही नहीं होता कि वो आए। ओके, क्योंकि आप जो है
इतना बांध के रखते हो किसी और के शरीर को कि बस यही मेरा है। और जो मुझे एक ड्रीम दिखाया गया था, मैंने बोला था कि प्रियंका चोपड़ा जो है दम तोड़ रही है, ऐसा ड्रीम मुझे आया कि जो साईं बाबा के जो है मंदिर के स्टेप्स पर वो जो आखिरी सांस ले रही है, और उसने मुझे पुकारा दीदी। तो जो दर्द था उसमें, तो मैं उस समझ सकती हूँ कितना कोई प्यार करता है किसी से, और बदले में उसको क्या मिला है, ये मिला है। तो मतलब एक दुख ये भी उसका मीनिंग निकलता है कि कोई ईश्वर के इतने पास होकर चरणों में ही उसने, मतलब स्टेप्स पर ही दम तोड़ दिया, पर ईश्वर के पास नहीं पहुंच सका। देखो सारी आत्माएं जो है ना ईश्वर से निकली हुई ज्योत है, आपको वो सागर मिलने जा रहा है और आप जो है एक बूंद के लिए तरस रहे हो। इतना विशाल बना दीजिए अपने हार्ट चक्र को, इतना विशाल बना दीजिए उसे, किसी भी चीज से कोई फर्क ना पड़े। एक शरीर को अपना समझकर उसके लिए दम तोड़ रहे हो, जबकि सत्य ये है कि ये नश्वर है, ये जो है नश्वर है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही कितने जन्म ले रही है, आत्मा ही सब कुछ है। अगर कुछ पाना है तो सोल वर्ल्ड में पाओ ना, सोल वर्ल्ड में पाओ। देखो ये जो शरीर है इसकी माया जो करता है ना, मतलब इससे प्यार जो करता है, अंत में राख उसे मिलती है, उसमें दुख ही दुख मिलते हैं, अमर्याद दुख। 3D की जितनी चीजों में आप एनर्जी वेस्ट करते हो ना, घर हो या कुछ भी हो, डिवाइन फेमिनेंस के हीलिंग कॉन्ट्रैक्ट या ट्विन फ्लेम्स के हीलिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाने जा रहे हो, आप जरूर देखना। ओके, तो मेरे मन में एक ख्याल आया है कि क्यों ना सबकॉन्शियस हीलिंग में फ्री में रखूं, क्योंकि फ्री में रखूंगी ना तो शायद सब तक वो पहुंच सके जिनको जरूरत है। कि कुछ लोग इतने दुखी है, इतने दुखी है, उनका दुख देखकर ऐसा लगता है, कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता है सबकॉन्शियस हीलिंग का, तो इसलिए लगता है उनके लिए फ्री में रखूं। फिर लगता है कभी कभी फ्री में होने से ही इम्पोर्टेंस नहीं रहता दोस्तों, टाइम तो मेरा जाएगा, और फायदा लेने वाले तो ऐसे ही फायदा लेते हैं, पैसे देकर भी फायदा देते हैं। मैं एक दो देखने वाली हूँ इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, और डोनेशन नहीं करूँगी, कहूँगी ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरी आवाज़ आपको अगर हील करती है, अगर मैं टाइम दे रही हूँ वही टाइम, देखिए मेरे मुझे ऑफर्स है ओके सबकॉन्शियस हीलिंग के, कि जब भी आपको टाइम हो आप मुझे बता देना, मैं सबकॉन्शियस हीलिंग लेना चाहती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेना चाहती हूँ। तो देखो मैं जस्ट उनको 40 मिनट भी देती हूँ तो मुझे 1,000 रुपये, वो 1,500 तक लोग देने के लिए तैयार है, वो दे सकती हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी मेरी जाती है ना, तो मैं देखती हूँ जब भी मैं फुल्ली एनर्जेटिक हूँ और दूसरों को एनर्जी दे सकती हूँ, उस वक्त मैं उनको एनर्जी दे सकती हूँ। तो आपको अगर मैं एनर्जी दे रही हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मेरे टाइम की कीमत भी तो मुझे मिलनी चाहिए। मैं भी 3D में एग्जिस्ट करती हूँ, मेरे पीछे भी हजारों चक्कर लगाए हुए हैं, तो मैं डोनेशन नहीं कहूँगी। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, जितने भी लोग सेशन लेंगे उनको कुछ ना कुछ मेरे अकाउंट में डालना पड़ेगा, अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ज़रूर जो हूँ ये सेशंस लूँगी फ्री में। तो जो भी मान लीजिए आप बहुत अमीर है तो आप ज़्यादा डोनेट कीजिए, क्योंकि बाकी लोग नहीं करेंगे डोनेट, ये शब्द मुझे डोनेशन नहीं चाहिए बाबा ओके, और मुझे मेरे अधिकार चाहिए। बट मुझे ये एहसास हुआ कहीं ना कहीं, देखो ये भी करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की, कहीं ना कहीं भगवान ऐसे केसेस दिखा रहा है, इसका मतलब वो आपको सोल पर्पस की ओर ले जा रहा है कि इन लोगों को हील करना आपका सोल पर्पस है। तो देखूंगी कैसे होता है, क्या होता है। बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी की बहुत इंटेंसली आपके लिए सोच रहे हैं दोस्तों, प्रेम पूर्वक ममता पूर्वक आपके लिए सोच रहे हो ओके। जैसे कोई बिना पलक झपकाए बस सोचे जा रहा है आपके लिए, उस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन सोच रहे हैं, और मैं एनर्जी डिटेक्ट कर पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन जो हो थर्ड पार्टी से कट ऑफ हो चुके हैं, बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, कोई उनके दिल में जो है थर्ड पार्टी के लिए कोई भी मतलब अट्रैक्शन नहीं है,
वो जो है, क्योंकि अब हो सकता है उनकी कुंडली राइज हुई हो, तो जब इंसान कुंडली राइज हो, अनकंडीशनल लव के स्टेज में हो, तो उसको उसी का काउंटर पार्ट पसंद आएगा जो उसकी तरह हो, बिल्कुल जिसको मिरर करता हो। तो कोई भी लोअर एनर्जी कैसे पसंद आ सकती है जो कि लोअर चीज़ों में, एक शरीर में, पैसों में, ऐसे चीज़ों में जो इंटरेस्टेड हो, ऐसा इंसान एक डिवाइन एनर्जी को कैसे पसंद आ सकता है, आप खुद ही सोचिए। तो इस तरह से जो है डिवाइन मैस्कुलाइन भी, क्योंकि भगवान ने उनकी डिवाइन एनर्जीज को अगर भगवान जागृत कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी लोअर एनर्जी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके पास जाते ही जो है सांसें रुकने लगेंगी, धड़कने जैसे ना, मतलब पसंद नहीं आता। एक बार कुंडली राइज आपकी हो जाए ना, तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते किसी भी ना, आपके सारे रिलेशन कट ऑफ हो जाते हैं। और कितना भी आपका स्ट्रांग रिलेशनशिप हो किसी दोस्त से, वाइफ से, बच्चों से, किसी से भी, अगर इंसान की कुंडली में, इसीलिए तो कहते हैं ना कुंडली राइज अगर हो जाए तो आप दुनिया में रह ही नहीं सकते, तो कुछ ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि इंसान हर एक से कट ऑफ हो जाता है, हर एक से कट ऑफ हो जाता है, बस वो नाम के लिए रहता है। अगर वो थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेना लोगों के साथ, आत्मा ऐसे रोने लगती है कि क्या बताऊं। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे रिश्तेदार आते हैं, हंसती हूँ, जोक करती हूँ, मजाक करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, फ्रेश महसूस करने लगती हूँ। अचानक से हार्ट चक्र जो है, ऐसा लगता है दिल फाड़ के रोने लग जाऊं, पता नहीं क्या होने लगता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आत्माएं हैं और हम जो है अलग दुनिया से हैं। हमारी एनर्जी कम हो जाती है जब हम ऐसी आत्माओं के साथ एंटरटेन करते हैं उनको, तो हमारी आत्मा जो है बहुत ही लो फील करने लगती है। हाँ, हम हीलर हैं, हमको हील करना है, साइड में होना है, एम्पैथ है, हमको हील करना है, साइड में होना है, फिर खुद को चार्ज करना है, फिर बांटना है, फिर कमाना है, फिर बांटना है। तो मुझे बताइए, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपके काउंटर पार्ट के साथ भी यही हो रहा है। कोई एनर्जी अगर उससे मैच करती है तो वो बिल्कुल आप हो, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो। ओके, तो सोल पर्पस के लिए कहीं ना कहीं उन डिवाइन फेमिनाइंस को ये समझ में आ रहा है कि एंसेस्टर हीलिंग करना और ऐसी आत्माएं जो अज्ञान में है, जो एक शरीर को ही बस जो है अपना मान कर बैठी है और उसके लिए रो रही है, जबकि उनको जैसे इंडियन मेंटालिटी बन गई है कि हस्बैंड वाइफ शादी करेंगे, फिर मेरा हस्बैंड जो है हर तरफ मुझे ही देखना चाहिए, मेरी वाइफ जो है सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना चाहिए, जबकि इंसान को ये पता ही नहीं है कि ये सिर्फ इंसान ने बनाए हुए रिश्ते हैं। पास्ट लाइफ से, सोल वर्ल्ड पे हमारे कई सारे रिश्ते हैं जिन्हें भगवान हमको अटेंड करवाता है, और 3D में उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। एक केस तो ऐसा रहा कि एक हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया कि उनकी वाइफ किसी और के चक्कर में है। इतना क्यों एक शरीर को ही अपना मान बैठे हो? तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी मैं बनाने वाली हूँ वीडियोस, इस वक्त मेरे पास शब्द ही नहीं है। अगर कोई मुझे चार्जिंग दे सकता है दीजिए, क्योंकि वो लड़की इतनी लोअर एनर्जी में थी कि मैं खुद लो चली गई। मुझे मतलब लिटरली मेरे हार्ट चक्र में सांस नहीं ले पा रही थी, मैं जोर जोर से रोने लगी, मुझे बहुत तकलीफ हुई उसके साथ। तो सिस्टमैटिक इनर वर्क सिर्फ रेकी है दोस्तों, क्योंकि रेकी और ट्विन फ्लेम जर्नी दोनों ही 7 चक्रों पर आधारित है और कुंडलिनी एक्टिवेशन पे आधारित है। नेगेटिव एनर्जीज जो होती है वो आपको कभी भी रेकी तक नहीं पहुंचने देगी, आपको खुद ही धैर्य से, हिम्मत से रेकी को अपनाना होगा। जो भी रेकी को अपनाता है उसको गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती है। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद, कई जन्म तपस्या करने के बाद जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है वो रेकी में कुछ ही दिनों में प्राप्त होती है दोस्तों। तो रेकी जैसी ब्लेसिंग्स अगर आपको मिले तो धन्य है आपका जीवन। आप खुद को भी हील कर सकते हो, दूसरों को भी हील कर सकते हो। और काल भैरव मंत्र का जप जरूर कीजिए। ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, पीपल को जल चढ़ाइए। भगवद गीता का 7th चैप्टर, अपने एंसेस्टर की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे आपका जल्दी रियूनियन होगा। थैंक यू दोस्तों।